सोलापुरातील न्यायालयाच्या मुख्य रस्त्यावर घाणीचे साम्राज्य, महापालिकेचे दुर्लक्ष। स्वच्छ भारत अभियान कागदावर नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात। शहरातील जिल्हा न्यायालयाच्या रस्त्यावर कल्याणी टावर समोर एका हॉटेलालगत घाण पाण्याची पाईपलाईन फुटून भला मोठा खड्यात घाणीचे साम्राज्य निर्माण झालेले आहे। जवळच पिण्याचे पाण्याची वाल आहे। या घाणीमुळे नागरिकांना खूपच त्रास सोसावे लागत आहे। अनेक रोगांना आमंत्रण मिळत आहे। याबाबत सोलापूर महानगरपालिकेकडे अनेक वेळा तक्रारी दाखल केली असताना कोणत्याही प्रकारची कारवाई केली गेली नाही। कब से है ये वैसा? ये 4-5 महीने से है। फिर कोई का नगर सेवक अगर कोई देखते नहीं गए इधर? नहीं नहीं नहीं, नल के वास्ते आग खोद को गए 5 महीने पहले। जब से ये हालत है तो ये हालत है। क्या वाला है इसके अंदर? क्या है? ड्रेनेज फूटी ले क्या? आगे मेंबर को छोड़ो, वो अजर में अजर उन्होंने मेरे को भी बोला, उन भी कुछ नहीं करे। फिर वो अस्पताल मेंबर भावी नगर सेवक है उसको बोला, उन खाली उसका वो ये लागू डाले, वो गिरने लगे बोल बोलो। क्या नहीं, ये कहीं का ड्रेनेज का है क्या? कहीं का है? ड्रेनेज का पानी है सर, जो वापस अंदर से आ रहा पानी है। यानी कोई और महानगर पालिका के अधिकारी वगैरह? कोई अधिकारी नहीं है सर। कब से तकलीफ हुई है तुमको? 6 महीने हो गया सर। 6 महीने हो। और ये सामने जो कचरा पड़ा ला है, ये पहले रोज उठाते थे सर, अभी 4-5 दिन को भी देखते नहीं सर। इससे क्या तुम्हारे को परिणाम हो रहा? परिणाम तो गिरा कि जैसा पड़ा हमारा, क्योंकि पब्लिक आने को रास्ता नहीं है। आप देखो ना, सामने है आपके, पूरा होटल के सामने है। यहाँ के लोगों को भी तकलीफ होती ना? सब पूरा चाली वाले तकलीफ। क्या तकलीफ है? कचरा कुंडा है सब, मच्छर वगैरह होते हैं और उठाते नहीं, क्या नहीं कचरा।